आज हम आपको दिखाने वाले हैं 220 स्क्वायर यार्ड में बना गोदरेज गोल्फ लिंक के अंदर ये रेडी टू मूव कंडीशन ऑलमोस्ट रेडी टू मूव कंडीशन के अंदर बना हुआ विला देखिए, जिसका बिल्टअप एरिया है 4730 स्क्वायर फीट। यहाँ से आप अंदर एंटर कर रहे हैं, दिस इज मेन एंट्री गेट। यहाँ पर मिलता है आपको पाउडर रूम। अंदर एंट्री करने के बाद ये विला आपको टू साइड ओपन है, दिस इज लिविंग डाइनिंग एरिया। ये देखिए विला के रियर में आपको मिलता है एक शानदार पार्क, सामने 18 मीटर की रोड है और बैकयार्ड में जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर मिलता है आपको शानदार पार्क। ये देखिए ग्रीनरी, प्रॉपर ग्रीनरी है, ये टू साइड ओपन विला है। विला के अंदर सेंट्रलाइज एसी इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा, लिफ्ट इंस्टॉल्ड है। यहां पर आपको मिलती है किचन, मॉड्यूलर किचन है। स्टेयर्स से अब जाते हैं, नीचे की तरफ जाता है आपका बेसमेंट और यहाँ से स्टेयर्स से अब जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम मिलता है आपको एक फैमिली लाउंज, फैमिली लाउंज है, बालकनी, बालकनी से आप व्यू देख रहे हैं। सामने जो आपको विलास दिखाई दे रहे हैं इनके बिल्कुल बैकयार्ड में आपको मिलता है 20 एकर का गोल्फ कोर्स, 18 मीटर वाइड रोड है ये। दिस इज बेडरूम नंबर वन, ड्रेसिंग एरिया, वॉशरूम और बालकनी से मिलता है फिर आपको पार्क व्यू, रियल बालकनी से। ये देखिए इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा आपको विद इन 4 to 5 months मैक्सिमम, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड और रजिस्ट्री शुरू होने वाली है। दिस इज बेडरूम नंबर टू, दिस इज फ्रंट बालकनी। ड्रेसिंग एरिया, देन वॉशरूम। तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलते हैं 2 बेडरूम। अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं, नाउ वी आर ऑन सेकेंड फ्लोर। सो सेकेंड फ्लोर में ये आपको स्मॉल पेंट्री दिखती है, यहाँ पर लिफ्ट एरिया एंड 1 बेडरूम। रियर बालकनी, हिज ड्रेसिंग एरिया, सो ग्राउंड फ्लोर पर कोई बेडरूम नहीं है, लिविंग डाइनिंग एंड किचन। देन आपका फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम मिलते हैं आपको, सेकंड फ्लोर पर अभी मैंने बेडरूम दिखाया है, अभी हम चल रहे हैं 3rd फ्लोर की तरफ। नाउ वी आर ऑन 3rd फ्लोर, लिफ्ट, बेडरूम नंबर 4, वॉशरूम एंड देन ओपन टेरेस। ये बैक साइड व्यू आप देख रहे हैं और ये फ्रंट साइड व्यू है।